गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद वैसला पर आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि अभी दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आई हुई है और कोरोना के चलते हुए अभी सभी कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, तो इसलिए हमने दिल्ली पुलिस के लिए यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई हुई है। साथ के साथ हमारे गाँव के आसपास के लोकल गाँव जो हैं वहाँ के बच्चों के लिए हमने ऑफलाइन क्लास अपने घर पे स्टार्ट की हुई है। तो जो बच्चे आसपास के गांव से घर आ सकते हैं तो वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी बच्चों के लिए हमने अभी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस जारी कर रखी हैं। तो आपको जीके में दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा जो वेटेज है वो जीके है, और जीके में आपको जो इंडियन हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है उसको आनंद भाई यानी कि आनंद सर पढ़ा रहे हैं, और मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी और साथ के साथ स्टैटिक्स जीके कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, और आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जिस टाइम पे इंडिया पे ब्रिटिश कंपनी का हक था, ठीक है, तो जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो बात ये आई कि भाई अब इंडिया को अंग्रेज़ छोड़ के जाएंगे, और अगर अंग्रेज छोड़ के इंडिया को जाएंगे तो इंडिया में जो राजनीति है यानी कि इंडिया को जो सपोर्ट करेगा, इंडिया को जो लीड करेगा, किस तरीके से किया जाएगा, तो ये समस्या आ गई। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक ग्रुप बनाया गया जिसे क्या बोलते हैं, संविधान सभा बोलते हैं, कि एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें हमारे कितने थे, 389 उसमें कैंडिडेट थे, और इन कैंडिडेट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई तुम आगे की रणनीति तैयार करो कि अब इंडिया में जो राज किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ये हमारा ग्रुप बना था इस ग्रुप को बोलते हैं संविधान सभा। क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ, और जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम आगे अब इंडिया में किस तरीके से कानून व्यवस्था और किस तरीके से इस पे राज किया जाएगा उसके लिए रणनीति तैयार करोगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब बात आती है कि जो संविधान सभा है इसकी सबसे पहले बैठक कब हुई थी। तो जो इसकी सबसे पहली जो बैठक हुई थी स्टूडेंट्स, वो हुई थी 1 दिसंबर 1946 में, यानी कि नवंबर 1946 में ये बनके तैयार हुई थी, और क्या बोलते हैं इसको, 1 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था स्टूडेंट, इसकी पहली जो है हमारी सभा हुई थी। अब बात आती है कि जिस टाइम पे उसकी पहली सभा हुई थी तो उस पहली सभा का अध्यक्ष कौन था। तो जो हमारी सबसे पहले सभा हुई थी उस फर्स्ट सभा का अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इनको जो ये अध्यक्ष पद दिया गया था इनके एज को देखते हुए, वरिष्ठ नेता थे तो उसके हिसाब से इनको अध्यक्ष बना दिया। बट नेक्स्ट जब मीटिंग हुई तो नेक्स्ट मीटिंग में जो अध्यक्ष है वो चेंज कर दिए गए और एक परमानेंट अध्यक्ष इसके बनाए गए, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, हमारे अस्थाई वो थे अध्यक्ष थे। तो जब हमारी नेक्स्ट सभा हुई यानी कि नेक्स्ट ही दिन 2 दिसंबर को जो हमारी नेक्स्ट वो हुई थी इसकी सभा, तो उसमें जो हमारे स्थायी रूप से जो इसके अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो 389 सदस्य संविधान सभा में थे, जिनमें से हमारे 93 देसी रियासत के थे। देसी रियासत क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, जो हमारा राजस्थान का कुछ ऐसा पार्ट था जो अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया था, क्योंकि वहाँ कुछ खेती तो उगती नहीं थी। जो हमारे अंग्रेज क्या करते थे, उन एरिया को ही गुलाम बनाया था जहाँ से उनको कर मिल सके या जहाँ से वो खेती करवा सके, अपने बेनिफिट के लिए ही तो वो राज करते थे किसी जगह पे। तो कुछ पोर्शन इंडिया में ऐसा बच गया था जो उनका गुलाम नहीं था। ठीक है, तो जो हमारी संविधान सभा थी उसमें से जो हमारे 93 कैंडिडेट थे वो देसी रियासत से थे। जो देसी रियासत थे उनके जो कैंडिडेट थे वहाँ के जो राजा थे उनको अपनी तरफ से हक था कि वो किसी को भी अपना कैंडिडेट बना के संविधान सभा में भेज सकते थे, यानी कि कोई चुनाव नहीं हुआ था देसी रियासत में।
देसी रियासत में कोई भी चुनाव नहीं हुआ, उनको ओरली ऐसे ही वहां के राजा ने, या तो खुद राजा खुद आ गया, या अपने बेटे को भेज दिया, या अपने रिलेटिव्स को उस सभा का सदस्य बना दिया। यानी कि 93 जो सीट थी इसकी संविधान सभा के लिए, उसमें से क्या करा कि ये 389 जो सीट थी उस संविधान सभा की, उनमें से क्या किया कि 93 को वहाँ के राजा ने अपनी तरफ से ऐसे ही भेज दिया, ठीक है, अपने आप सेलेक्ट करके। बाकी जो हमारे बचते हैं 296 जगह, ये हमारे ब्रिटिश उपनिवेश की थी, ये हमारी क्या थी, ब्रिटिश उपनिवेश की थी। यानी कि जहाँ अंग्रेजों का शासन था उस एरिया से कुछ नेता चुन के आए गए, और जिनका जो चुनाव हुआ था वो चुनाव हुआ था जुलाई और अगस्त 1946 ईस्वी में। यानी कि जुलाई अगस्त में 1946 में जो चुनाव हुए थे संविधानसभा के, वहाँ से जो कैंडिडेट चुन के आए थे, ठीक है, हमारे 296 वो कैंडिडेट थे। 93 कैंडिडेट किसने भेजे थे, हमारे देसी रियासत के राजाओं ने, और टोटल मिलकर कितने हो गए, 389 हो गए। यानी कि इतने सदस्य हमारे संविधान सभा में थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। बात क्लियर है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर इस संविधान सभा ने काम क्या किया था, ठीक है स्टूडेंट, संविधान सभा ने काम क्या किया था। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काम था वो ये था कि जो अंग्रेज थे वो 1947 में चले गए थे। कब चले गए थे, 1947 में। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1950 में। यानी कि जो 3 साल के दौरान, ठीक है, जो टाइम बचता है, इस टाइम में इंडिया पे जो राज किया था इन संविधान सभा के सदस्यों ने ही किया था। यानी कि जो ये संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने ही क्या काम किया था, पूरे इंडिया को, इतने यानी कि इनमें से प्रधानमंत्री चुने गए थे, इन्हीं में से वित्त मंत्री चुने गए थे, इन्हीं में से गृह मंत्री चुने गए थे। यानी कि इस सभा के सदस्यों ने ही क्या किया था, इंडिया पे इतने राज किया था, इतने हमारा संविधान बन नहीं जाता। बात क्लियर है, पहला काम तो ये हो गया संविधान सभा का। दूसरा, इसने संविधान सभा ने क्या काम किया था भाई, कि इसने जो हमारा संविधान है उसका प्रारूप तैयार किया था। क्या तैयार किया था, प्रारूप, यानी कि एक तरीके से लिखना समझ लो। दूसरा क्या किया था संविधान सभा ने, मई 1949 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इंडिया को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दिला दी। मई 1949 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया है उसको राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, ठीक है, इसकी क्या दिला दी, सदस्य दिला दी, ठीक है स्टूडेंट। साथ के साथ क्या किया, 22 जुलाई यानी कि आज़ादी से भी पहले, आज़ाद हुआ था 15 अगस्त में, 22 जुलाई 1947 को इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा होता है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया। तो बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने अपनाया था, तो संविधान सभा ने अपनाया था, ठीक है। और दो काम और किए थे, क्या किए थे, जब हमारा संविधान बन के पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, 26 जनवरी 1950 में, उससे 2 दिन पहले इन्होंने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 में, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया था और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। बात क्लियर है बेटा। और लास्ट इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने काम किया था कि 24 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले की बात है अभी, इन्होंने क्या काम किया था कि जो अपने अध्यक्ष थे, इनका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट निर्वाचित कर दिया था। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो प्रधान, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को तो लोकसभा और राज्यसभा चुनती है, बट उस टाइम पर तो लोकसभा राज्यसभा बनी नहीं थी, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा हमारे संविधान में दी गई है, और संविधान 26 जनवरी को बनेगा, 26 जनवरी को पारित होगा, कब पारित होगा, 26 जनवरी को, और राष्ट्रपति उससे पहले ही बन गया था। तो बात आती है कि राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, इंडिया के पहले राष्ट्रपति, उनको राष्ट्रपति किसने चुना था, तो उनको जो राष्ट्रपति उस टाइम पर चुना था, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों ने ही उनको राष्ट्रपति के फॉर्म में चुना था, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे चलते हैं, इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था। अब बात आती है कि इंडिया को अपना खुद का संविधान बनाना पड़ेगा। खुद का संविधान बनाने के लिए इस संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया। क्या किया, एक प्रारूप समिति का गठन किया। अब ये गठन कब हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके 14 दिन बाद,
हमारा देश जब आजाद हो गया था तो उसके 14 दिन बाद जो संविधान सभा है उसने प्रारूप समिति का गठन किया और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किनको बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जो हमारा संविधान है वो प्रारूप समिति ने लिखा है, ना कि संविधान सभा ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारी प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब बात आती है कि जो हमारा संविधान है उसको क्या बोलते हैं, लिखने में कितना टाइम लगा था? तो संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था संविधान को लिखने में। बात आती है कि संविधान लिख के कब तैयार हो गया? तो जब हमारा 26 नवंबर को क्या किया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम ने 26 नवंबर को, ठीक है, ये जो हमारा संविधान लिख गया था इसको संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कब प्रस्तुत किया था? 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में क्या कर दिया? इसको संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा ने क्या काम किया कि इसके कुछ प्रस्ताव को तो उसी दिन पारित कर दिया कि ये आज से ही लागू हुए। क्या कर दिया? कुछ जो उसके प्रस्ताव थे हमारे संविधान के, कुछ को तो उसी दिन पारित कर दिया और बाकी के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन फिक्स कर दिया कि 26 जनवरी 1950 को उसको क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है संविधान के कुछ प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, बाकी के 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। इसी वजह से हम संविधान दिवस जो मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है कि संविधान दिवस कब होता है? कब होता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन वो प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर को क्या किया गया था? संविधान को प्रस्तुत किया गया था और 26 जनवरी को क्या करा था? उसको लागू किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? जो हमारा संविधान है उसके कितने अनुच्छेद है? 395 हमारे अनुच्छेद है संविधान के। दूसरा है कि जो हमारा संविधान है उसके भाग कितने हैं? तो संविधान में 22 भाग हैं और टोटल 12 हमारी क्या है? अनुसूची है। यानी कि जो हमारा संविधान है उसके हमारे क्या है? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 क्या है? उसकी अनुसूची है। ठीक है, अब जब ये सारा का सारा काम हमारा बना गया, अब संविधान क्या हो गया? 26 जनवरी को पारित हो गया, जिसमें सारे के सारे रूल आ गए कि भाई अब इंडिया में राज इस रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो क्या अब इस सभा का कुछ काम रहेगा? नहीं होगा। और ये सभा हमें क्या करनी पड़ी? बंद करनी पड़ी। इस सभा को क्या कर दिया? बंद करना पड़ा। अब बात आती है कि इस सभा को बंद कब किया जाएगा? तो जिस दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और हमारे प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे उसी दिन इस सभा की अंतिम बैठक थी। उसी दिन क्या थी? इस सभा की अंतिम बैठक थी। तो क्वेश्चन ये काफ़ी बार रिपीट होते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब थी? तो 1 दिसंबर, ठीक है, 1946 में इसकी पहली बैठक थी और 24 जनवरी 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस था जिस दिन, उससे 2 दिन पहले इसकी क्या थी? अंतिम बैठक थी। और अंतिम बैठक से पहले इसने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और अपने प्रेसिडेंट को चुन लिया था और उस दिन के बाद में इस सभा की कोई भी मीटिंग नहीं हुई और ये सभा क्या हो गई? समाप्त हो गई। और इंडिया में फिर नए रूल यानी कि नया संविधान आ गया और उसी के अकॉर्डिंग अब तक इंडिया में राज किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो ये प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति ने जो हमारा संविधान बनाया था तो उस संविधान में जो इन्होंने अनुच्छेद या कुछ एक्ट दूसरे देशों से लिए गए हैं तो कौन सी चीज़ किस देश से ली गई थी, यानी कि हम कह सकते हैं संविधान के जो स्रोत थे कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।